अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कार मैंने पीके। आज हम बात करेंगे सुजुकी के बाइक्स की प्राइस लिस्ट के बारे में। इससे पहले मैंने यामाहा की वीडियो भी बना ली है, होंडा के भी बना ली है, और अब फाइनली सुजुकी ने भी अपने तमाम बाइक्स की प्राइस को दोबारा से बढ़ा दिया। हर बंदा इस खुशफहमी में था कि जो न्यू बजट आया है उससे बाइक्स की प्राइस कम हो जाएंगी, लेकिन ये तो उल्टा ही पड़ गया। तमाम बाइक्स की प्राइस बढ़ गई हैं। सुजुकी ने बढ़ा दी, यामाहा ने बढ़ा दी, होंडा ने भी बढ़ा दी। सुजुकी ने अपने सिर्फ चार बाइक्स की प्राइस बढ़ाई हैं, एक जीडी, जीएस, जीआर और गिक्सर। सिर्फ इन चार बाइक्स की प्राइस बढ़ी हैं, जो इसका इनाजुमा है, और बाकी सेपर लेवल बाइक्स हैं उसकी प्राइस सेम टू सेम है। इनकी प्राइस अब कितनी बढ़ा दी हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आप ब्रांड इन्वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट बाइक है वो है सुजुकी जीडी 110S। सुजुकी जीडी 110S की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 1,72,000 रुपीज़, 1,72,000 रुपये। इस बाइक की प्राइस के अंदर इन्होंने तकरीबन 3,000 रुपये का इजाफा कर दिया है, और 3,000 रुपये के इजाफे के बाद इस बाइक की जो न्यू प्राइस है वो है 1,75,000 रुपीज़, 1,75,000 रुपये। इसके बाद जो हमारा बाइक है वो है सुजुकी GS 150। GS 150 की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 1,82,500 रुपीज़। इस बाइक के अंदर भी 3,000 का इजाफा किया है, और 3,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की जो न्यू प्राइस है वो है 1,85,500 रुपीज़, 1,85,500 रुपये। इसके बाद हमारा बाइक है GS 150 SE। इसका जो स्पेशल एडिशन है उसकी लास्ट प्राइस थी 1,99,000 रुपीज़, 1,99,000 रुपये। इस बाइक के अंदर भी 3,000 का इजाफा कर दिया है, और 3,000 के इजाफे के बाद इसकी न्यू प्राइस है 2,02,000 रुपये, 2,02,000 रुपीज़। इसके बाद जो हमारा बाइक है वह है सुजुकी GR 150। सुजुकी GR 150 की जो इन्होंने लास्ट प्राइस रखी थी वो थी तकरीबन 2,73,000 रुपीज़, और अब इस बाइक के अंदर इन्होंने 6,000 रुपये का इजाफा किया है, और 6,000 के इजाफे के बाद जो अब इस बाइक की न्यू प्राइस है वह है 2,79,000 रुपीज़। इसके बाद जो हमारा बाइक है और लास्ट बाइक है वह है सुजुकी गिक्सर 150। सुजुकी गिक्सर 150 की जो इन्होंने लास्ट प्राइस रखी थी, इसके दो मॉडल्स, दो कलर्स हैं, तो उनकी अलग अलग प्राइजेस हैं। एक रेड एंड ब्लैक कलर जिसकी प्राइस है 5,39,000 रुपीज़, और एक कलर है इसका रेसिंग ब्लू कलर जिसकी प्राइस है 5,49,000 रुपीज़। तो 5,49,000 रुपीज़ जिस बाइक की प्राइस थी, अब उसकी इन्होंने 30,000 रुपये प्राइस बढ़ाई है, 30,000 रुपीज़। जिसके बाद अब इस बाइक की जो न्यू प्राइस है वो है 5,79,000 रुपीज़। मतलब आप फिर ये भी देख लें कि जो सिंपल कलर्स हैं उनकी भी 30,000 बढ़ा लें तो 10,000 कम हो जाएंगे बस इससे, न्यू प्राइस से, रेसिंग ब्लू कलर की न्यू प्राइस से 10,000 रुपये कम हो जाएंगे रेड एंड ब्लैक के बस। लेकिन फिर भी इन्होंने 30,000 रुपीज़ प्राइस बढ़ा दी है। अब आपको मैं डिफरेंस बता दूँ दोबारा से, GD 110 में 3,000 रुपये का इजाफा किया है, GS में किया है 3,000 रुपये का, GS 150 SE में भी 3,000 का है, और उसके बाद जो GR है उसमें 6,000 का इजाफा कर दिया। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गिक्सर में पता नहीं इनको क्या सोची थी, डायरेक्ट 30,000 रुपीज़ बढ़ा दिए हैं यार। अब आप देख सकते हैं कि होंडा जो है, होंडा ने भी अपने CB 150 के अंदर 20,000 रुपये बढ़ाए हैं, इन्होंने भी अपने गिक्सर के अंदर डायरेक्ट 30,000 रुपीज़ बढ़ा दिए हैं, जैसे ये टॉप सेलिंग बाइक हो पाकिस्तान का। बहरहाल ये थी आज की अपडेट्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।